हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सा फेस वॉश हमें यूज करना चाहिए। और ये बहुत वैलिड एंड नेसेसरी क्वेश्चन भी है, क्योंकि आधे से ज्यादा पिंपल हमें इसलिए हो जाते हैं या हमारी स्किन डैमेज इसलिए हो जाती है क्योंकि वो अच्छी तरीके से क्लीन नहीं हो। बिकॉज यू ऑल नो हम इतने ज्यादा डर्ट एंड पोल्यूटेड एनवायरमेंट में रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पोर क्लॉग्ड हो जाते हैं। एंड 80% ऑफ स्किन प्रॉब्लम हम दूर कर सकते हैं अगर हम अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लेंस कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज हमारा फेस अच्छी तरीके से क्लीन नहीं हो पाता है, एंड यही वजह बनता है कि हमारी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है, उसमें एक्ने पिंपल्स हो जाते हैं या बम्स वगैरह हो जाते हैं। तो अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर गोइंग देयर प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे एंड यूजफुल कंटेंट मिलता रहे। लेट्स गो। फर्स्ट ऑप्शन है, वो मुझे लगता है 80% लोग यूज करते हैं, और वो है हिमालया का नीम फेस वॉश। नाउ आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज्यादा सुनने में आता है, बहुत ज्यादा लोग भी यूज करते हैं, पर पर्सनली ये काम करता है, एटलीस्ट मुझ पे तो काम किया है। तो मैंने ये फेस वॉश यूज किया था, इसका मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ था। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप इस समय कोई फेस वॉश यूज कर रहे हैं जो आपको सूट कर रहा है, तो आपको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। फेस वॉश का काम होता है आपके फेस को अच्छी तरीके से क्लीन करना। अगर उतना काम वो अच्छा से कर रहा है, देन देयर इज नो नीड टू चेंज दैट फेस वॉश। स्टिल इफ यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू यू कैन, बट देयर इज नो नीड टू स्विच फेस वॉशेस हेयर एंड देयर, क्योंकि अगर एक सूट कर रहा है वो बेस्ट। हिमालय की सबसे अच्छी बात ये है कि ये सारे स्किन टाइप पे चलता है। मींस आपकी नॉर्मल स्किन है, ड्राई है, ऑयली है, एक्ने प्रोन है, सेंसिटिव है, ये सब पे जाता है। मैंने अपने टीनेज से लेके अभी तक इसको यूज किया था, मुझे इसके साथ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इसके 2-3 वेरिएंट और आते हैं, मैंने उनको भी ट्राई किया था, जैसे इसका फॉर्म वाला आता है, क्यूक्यूम्बर वाला आता है, लेकिन वो सब मुझे इतने नहीं खास लगे। पर जो नीम फेस वॉश है, दैट इज अ गुड फेस वॉश। प्लस आप कोई भी स्किन टाइप के हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। इफ यू हैव एक्सेसिव ड्राई स्किन, तो आप फेस को वॉश करने के बाद अच्छी तरीके से अपने फेस को मॉइस्चराइज कर ले। आपको अगर माइल्ड एक्ने वगैरह की भी दिक्कत हो, उस टाइम पे भी ये फेस वॉश बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। नाउ जो नेक्स्ट फेस वॉश है वो है सिंपल का फेस वॉश। ये बहुत ही ज्यादा माइल्ड एंड जेंटल फेस वॉश होता है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इसके साथ जरूर जा सकते हैं। प्लस ये आपके पोर्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करता है, फेस को हाइड्रेट भी करता है। सो मेरी तरफ से इस फेस वॉश के लिए भी थम्स अप है। नेक्स्ट फेस वॉश जो मेरी लिस्ट में आता है वो है सेटाफिल का फेस वॉश। नाउ इसके वेरिएंट्स आते हैं, ये ऑयली स्किन और ड्राई स्किन दोनों के लिए अलग अलग वेरिएंट प्रोवाइड करता है, एंड इसके दोनों वेरिएंट बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये भी माइल्ड है, आपकी स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता। नाउ जो नेक्स्ट मेरे लिस्ट में आता है वो है जोवीस का फेस वॉश। नाउ बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा, या हो सकता है सुना भी हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई ब्रांड नहीं है। लेकिन इसका भी नीम एंड टी ट्री ये वेरिएंट आते हैं, जो मैंने पर्सनली यूज किया है, और मुझे इस दोनों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। इनफैक्ट इन दोनों का जो वर्क होता है आपके फेस पे, वो आपको थोड़ा लेट दिखता है, लेकिन दिखता है। ये भी आपके पोर्स को डीपली क्लीन करता है। सारे स्किन वाले इसको यूज कर सकते हैं, एक्ने प्रोन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक उनके लिए भी वेरिएंट निकालते हैं। सो मुझे पर्सनली जोवीस के भी फेस वॉशेस बहुत पसंद है। नेक्स्ट फेस वॉश जो मेरी लिस्ट में आता है वो है अरोमा मैजिक का फेस वॉश। ये भी बहुत ज्यादा अच्छा फेस वॉश है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, आपकी स्किन को बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, माइल्ड फेस वॉश है, तो आप इसको भी यूज करें। अब एक स्पेशल मेंशन होना चाहिए एक स्पेशल फेस वॉश का, जिसे इस टाइम पे मैं यूज कर रही हूँ। नाउ ये प्रॉपरली सेंसिटिव एंड एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए है। दिस इज डर्मा ड्यू सोप। यस, इट इज अ सोप, बट इट क्लीन्स योर फेस वेरी वेल। सो इसका डर्मा ड्यू एक्ने आता है, लाइट आता है। मैं इस समय लाइट वर्जन यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे एक्ने ठीक हो चुके हैं, मुझे मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मुझे बहुत ज्यादा सेवियर एक्ने हुआ था, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे अपने एक्ने को सही किया है। सो ये वाला सोप इस समय भी मैं करेंटली यही यूज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरीके से सूट कर गया है। मैं फिर से आप लोगों से कहूंगी, इफ समथिंग सूट्स यू, उसको चेंज करने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है? तो मुझे ये सोप बहुत अच्छी तरीके से सूट किया है। आप भी चाहें, अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है या बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके एक्ने हैं तो आप इसका डर्मा ड्यू एक्ने यूज कर सकते हैं। एक्ने में भी इसके दो वेरिएंट आते हैं, एक्ने एंड एक्ने लाइट, तो आप अपने एक्ने के हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आपकी सिर्फ सेंसिटिव
स्किन है, कभी कभार आपको एक्ने वगैरह होते हैं, तो आप डर्मेड्यू लाइट सोप यूज कर सकते हैं। मैंने इसका रिव्यू अपने चैनल पर शेयर किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर लिंक दे दूंगी, तो आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। ये सारे फेस वॉशेस जो मैंने आपको रिकमेंड किए हैं, मैंने पर्सनली सबको यूज किया है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। एंड आप अपनी नीड के हिसाब से आपको इसमें से जो सा सबसे बेस्ट लगता है आप उसे चूज कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंजॉय इट वेल, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैंने अपना इंस्टा हैंडल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो आप प्लीज वहां भी जाइए, मुझे फॉलो करिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।